गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो मेरे ख्याल से अच्छे ही होगे, पर मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो सीन ऐसा है कि थर्सडे रात को काम करने के बाद फ्राइडे जब मैं सोने के लिए गया, मैं बस एक घंटा सोया हूँ। पता नहीं क्या होगा, नींद खुल गई, आँख ही नहीं लगा उसके बाद। और फ्राइडे रात को काम खत्म करने के बाद, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग जब काम खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं बिना सोकर। और अभी अगर मैं बिस्तर पे जाऊँ तो मैक्सिमम 5 मिनट मैं उस कदर सो जाऊंगा 12-13 घंटे से पहले आंखें खुलने से रहा। लेकिन अभी हमको निकलना है राइड पे, वो भी पूरे दिन के लिए। तो भगवान जाने कैसे यह राइड कंप्लीट होगा, पर निकलना तो है। तो आज के इस राइड पर मैं जाने वाला हूँ जॉयंत और जुएल इन लोगों के साथ। और वो लोग एक्चुअली एज में मुझसे छोटे हैं, सारे ही 1-2 साल से, पर हम लोग सेम स्कूल से थे और अभी साथ में राइड में निकलते हैं, तो एक फ्रेंडशिप जैसा है, रिलेशन है। एंड वो लोग मुझे कह तो रहे हैं कि वो लोग खुआ आ चुके हैं और मेरा वेट कर रहे हैं, पर मुझे पूरा डाउट है अभी तक वो खुआ आए नहीं है। जस्ट मैं लेट ना करूँ इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, पहुँच के देखिए। अरे 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 चचा, क्या कर रहे हो चचा, ये क्या कर रहे हो? सो टाइम अभी हो रहा है 8:01 इन द मॉर्निंग और बहुत दिनों के बाद शूट हो रहा है आज एक मोटो व्लॉग। हाँ, ये भी सही है कि लास्ट 2-3 व्लॉग में भी छोटा छोटा मोटो व्लॉगिंग का पार्ट था, लेकिन वो कोई प्रॉपर मोटो व्लॉग था नहीं, क्योंकि प्रॉपर मोटो व्लॉग मेरे लिए वो होता है जहाँ पर कोई एक दूर का डिस्टेंस होता है, जहाँ पर किसी दूर डेस्टिनेशन के लिए हम लोग निकलते हैं और बाइक लेके मजे करते हुए जाते हैं। और जो डिस्टेंस है वो पहला डिस्टेंस 70-80 किलोमीटर का है, क्योंकि आज किसी एक पर्टिकुलर सिंगल जगह पर हम जाने नहीं वाले, हम लोग 2-3 जगहों पर घूमने वाले हैं। जुएल एंड बाकी के जो लोग हैं वो लोग अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं खुआई। फाइनली अभी जाके कॉल आया कि वो लोग खुआई पहुंच चुके हैं, तो अभी वो सच कह रहे थे, निकल गया हमें निकल गया, नीलू के साथ में निकल गया, बस फिसल ना जाओ, आँखों में मेरे नींद है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते। बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, लोग काम पे निकल रहे हैं और हम काम कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं। आई थिंक यही है जो जाने वाला है मेरे साथ। अच्छा तुम ही तो, तुम्हारा नाम? यो पब्लिक, व्हाट्स अप? मीटिंग खत्म भी नहीं हुआ, मैं बीच मीटिंग को छोड़ के आया हूँ मैम से रिक्वेस्ट करके कि मैम मुझे निकालना है, मुझे राइट पर निकालना है, मुझे छोड़ दो आज। बहुत किया। मास्क तू ना कुछ नहीं चलो। क्या 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 ही रोड है रे, रोड तो काफी टूटा फूटा है और अभी तो आगे हाईवे का काम चल रहा है। लास्ट टाइम मैं जब गया था कितना बकवास रोड था। बीच बीच में इस तरीके का रोड आ जाएगा तभी तो हमें स्लो करना होता है अपने आप को। पर 1 महीने पहले जब मैं आया था उसके हिसाब से तो भाई बहुत ही बढ़िया है अभी कंडीशन। उस टाइम पे पूरा कॉन्क्रीट था इस रोड पर और इतना स्लीप होता था ना। सो अभी हमारा प्लान है फिलहाल कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी बाइक को भगाए और जल्दी से हम अगरतला सिटी क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगरतला सिटी पर शायद आज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक मीटिंग वगैरह है, तो क्या पता कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अगरतला सिटी क्रॉस कर लो, उसके बाद मजे से घूमो। पहाड़ों पर राइड करने के बाद अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं जामारा। और क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूं तो मेरे कुछ डिसएडवांटेजेस है, मेरे कुछ मजबूरियां है, मुझे बीच में रुकना पड़ा था कैमरा का बैटरी चेंज करने के लिए। और उस टाइम पे जुएल एंड जुएल का जो एक और फ्रेंड है वो लोग थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। टाटा चाचा टाटा, मोबाइल पे बात करते करते कार नहीं चलाना चाहिए, ऐसा मत किया करो। तो
सो फाइनली बिना वजन नाचने के बाद अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं हमारे आगे की जर्नी की तरफ। पता नहीं क्यों मैंने अपना JBL लगाया और सबको नाचने का मन हुआ तो नाच लिया थोड़ा सा, कुछ ऐसा रीजन वगैरह है नहीं। वैसे आउटडोर में उतना ज्यादा खास कुछ होता नहीं है, JBL मैंने देख लिया है। मेरे पास है JBL Flip 3, इंडोर कंडीशन में बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और साउंड भी जबरदस्त है, पर आउटडोर में उतना कुछ खास एक्चुअली है नहीं। आज तो जगह जगह पर बस पुलिस दिखाई दे रहा है, अगरतला पर जो मीटिंग है आज शायद उसी वजह से। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है पता नहीं, मैंने हटा दिया था उसको, अभी ट्रिप मीटर सेट है तो होगा कुछ आई थिंक 10:30 या फिर 11। तो टारगेट मेरा है कि 12 बजे से पहले पहले एटलीस्ट पहला जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाऊं, वरना बाकी के कंप्लीट करके घर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग है मोहनपुर मार्केट पर, हजामरे के बाद ये है दूसरा मार्केट। वहां पर जब हम लोग रोड पर नाच रहे थे तो ये बाइक आ रहा था सामने से, पीछे जो लेडी बैठी हुई है वो देखकर हंस रही थी हमको। मेरे राइट साइड पर यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत सा एक टी गार्डन, पर पता नहीं कैमरा पर कितना दिख रहा होगा क्योंकि आगे ये पेड़ पौधे हैं। वेलकम टू अगरतला, टाइम हो रहा है 9:38 और हम लोग निकले थे घर से 8 बजे, तो ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा लगा अगरतला पहुंचने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोग चला रहे थे भाई, 1 घंटे से पहले ही हम लोग पहुंच जाते अगर बीच में रोड पर बाइक रोक के ऐसे ही नाचने का मन नहीं होता, लेकिन ये भी जरूरी है वरना राइड थोड़ा सा बोरिंग सा बन जाता है। और ट्रैफिक में चलाने के लिए इस भाई साहब का जरूरत बहुत है, लेकिन R15 पर जो रियर मिरर दिया गया है उसका काम उतना कुछ खास है नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसमें अच्छे से कुछ दिखाई ही नहीं देता, इसका पोजीशन बहुत ही बेकार है। 4, 3, 2, 1, 0 और ये हो गया ग्रीन। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टॉप और आई थिंक कुछ 35 किलोमीटर के आसपास कुछ होगा। सो आज का फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारा वो है बोट घाट, इससे पहले मैं राकेश के साथ गया था और जो मजा आया था उस टाइम पर। तो जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो एक्चुअली बोट घाट के सामने से ही हमें जाना पड़ेगा, तो सोचा एक बार यहाँ पर भी रुक के उस नजारे को फिर से दोबारा से इंजॉय करना बनता है। और पता नहीं बाकी लोग गए होंगे कि नहीं, मैं तो गया हूँ और बहुत ही मस्त प्लेस है। यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पर है चौल शाखाई, जहाँ से हमने चाय पिया था वापस आने के टाइम पे हमारे बिलोनिया वाला ट्रिप से। अरे जिन लोगों ने बिलोनिया वाला ट्रिप नहीं देखा देख सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा था। मुझे तो लगता है कि मेरा हर ब्लॉग दूसरे से अच्छा होता है, अभी बाकी आपको कैसा लगता है वो आपके ऊपर है। अच्छा भूले चलो। सो हम में से कोई एक चला गया था किसी दूसरे रोड पर, पता नहीं शायद उसको रोड पता नहीं है तो थोड़ा गलत चला गया था, इसलिए यहाँ पर हम लोग रुके। तो अभी जुएल ने कहा कि वो मेरा V3 चलाएगा, तो मैंने ले लिया है जुएल का NS। और ऐसे बाइक पर मोटर व्लॉगिंग करने का मजा ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर झुक के नहीं बैठना पड़ता, तो जो सामने के नजारे होते हैं वो आप पूरा वीडियो में कैप्चर कर सकते हो। मैं इतने देर से चलाता हुआ आ रहा हूँ V3 इतना झुक के बैठ के, तो अभी अचानक से जो मेरा पीठ ऐसा सीधा हुआ है ना तो मजा आ गया। बस मैं खुद जब नीलू पर राइडिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम पे तो समझ में नहीं आता, लेकिन किसी और को जब मैं देखता हूँ कि R15 V3 चला रहा है तो मुझे इतना मजा आता है ना, तो उस टाइम पे किसी और को चलाते हुए उस व्यू को मैं देख सकता हूँ और बहुत ही सेक्सी है, बहुत ही सेक्सी है R15। ये जो मैंने रिम पेंट करवाया है वो अभी बहुत सारे जगहों से निकल गया है, लेकिन फिर भी इसके वजह से जो खूबसूरती है जो सेक्सी पना है वो और ज्यादा उभर के आता है, बुझना। नहीं नहीं पार्क नहीं है ये, हाँ। सो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी शिपाही जला डिस्ट्रिक्ट पर, और यहीं पर आगे मेरे लेफ्ट साइड पे है शिपाही जला, और हमको शिपाही जला क्रॉस करके बस थोड़ा सा आगे जाना है। शिपाही जला मैं जब क्लास 10 में आया था ना उस टाइम पे बहुत अच्छा था, बहुत सारे एनिमल्स थे, अभी तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये हम फाइनली पहुंच गए बोट घाट। Oh, on a cushion.
चुके हैं डेस्टिनेशन पर, और ऐसा तो यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भी नहीं है। लोग जनरली आफ्टरनून के टाइम पे आते हैं और हम लोग आगे सुबह, तो पूरा एकदम खाली है, कोई नहीं है पूरे लेक पर। और आप अभी नज़ारे देखो। इतना धूप है ना, ये जो नहीं उस तरफ घुमाओ घुमाओ, इस तरफ घुमाओ, ऐसे ऐसे, हाँ 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 हाँ, उन बर्ड्स की तरफ। सो हमें आधे घंटे का टाइम मिला था, आधे घंटे के लिए एक बोट के लिए कितना दिया है, 200 रुपए है ना। हाँ, तो 200 रुपए हमने दिया है एक बोट के लिए, और एक बोट पे टोटल 4 लोग है, और आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी अगर हम वापस ना जाए तो वो 200 का हो जाएगा 400, तो इसीलिए अभी हम वहाँ पर जाएंगे वापस। और लेक का एरिया भाई साहब बहुत बड़ा है, इधर से जाके इस तरफ से लेक और भी बड़ा है, और उधर से भी जाके उस तरफ से लेक और भी बड़ा है। और यार जरूर आके जाना यहाँ पर, बहुत ही मस्त प्लेस है, बहुत मजा आएगा। कैसा लगा यहाँ पर आके बताओ? बहुत ही ज्यादा, धूप के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, धूप तो है वो अलग बात है, लेकिन व्यू ऑसम, व्यू ऑसम, शांति मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही शांति। अगर तुम त्रिपुरा से हो और इस जगह नहीं आए तो बहुत उल्टा क्या बोलते है ना, मिस कर चुके हो। बंधु तीन दिन तोर बारिश अलम देखा पहलम ना, बंधु तीन दिन। यहाँ पर आज मैं दूसरा दिन आया हूँ, और मजा जो भाई साहब, पहली बार जितना मजा आया था आज भी बिल्कुल ही उतना ही मजा आया है। पीछे 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 भीज लगाना पड़ेगा, पीछे पीछे, वो एक वीडियो है ना अराउंड टू हेल का, पीछे पीछे पीछे, आगे आगे। बहुत मुश्किल है इसको लगाना, मैंने कहा था ना लास्ट टाइम भी, हमें बहुत टाइम लगा था भाई भाई। नहीं नहीं नहीं, अरे की 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 सुनो करे ठीक से मड़ रे भाई, अरे की कोली की कोली, अच्छा वही तो कुछ पूरा भाई, फुल रिदम डे नष्ट कर दिया, टाइमिंग को घुमाना घुमाना, तू डैक कर दी, तो बाल लगा सरे, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओ भाई 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 भाई, निकल कर हम लोग जाएंगे। तो अभी मुझे बाइक चलाने का मन नहीं हो रहा है, तो 12 चलाएगा मेरा बाइक, और मैं बस पीछे बैठने वाला हूँ।